स्वरा भास्कर जो आर्मचेयर एक्टिविस्ट ट्विटर वॉरियर ट्रोल डिस्ट्रॉयर राइट विंग बेटर के नाम से अपने आप को ट्विटर पर संबोधित करती हैं, एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार भी गलत कारणों से। दरअसल कल शाम उसने एक ट्वीट लिखा जिसमें उसने लिखा कि मुगलों ने भारत को अमीर बनाया और ये एक तथ्य है। स्वरा भास्कर ने यह दावा इंडिया टुडे द्वारा समर्थित पोर्टल डेलियो पर प्रकाशित राणा साफवी के एक लेख के हवाले से किया। उस लेख का शीर्षक था, नहीं मुगलों ने हमें लूटा नहीं था, मुगलों ने हमें समृद्ध किया। बता दे कि डेली ऑफ वेबसाइट भ्रामक लेखों को समर्थन देने के लिए विवादों में अक्सर बनी रहती है। अब यदि उक्त लेख की बात करें तो इसमें एक विचारधारा को संतुष्ट करने के लिए कुछ भ्रामक दावों के जरिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया गया है कि मुगलों द्वारा भारत की लूट की बात तथ्यों को झुठलाने के समान होगी। मजेदार बात तो यह है कि उक्त लेख में इस टेबल के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे भारत मुगलों के अंतर्गत आर्थिक रूप से काफी समृद्ध था और कैसे अंग्रेजों ने हमारी आर्थिक संपन्नता हमसे छीन ली। ये टेबल आर्थिक इतिहासकार एंगस डीटन के गहन अनुसंधान के माध्यम से बनाई गई है, जिन्होंने पिछले 2000 वर्षों के आर्थिक आंकड़े को जुटाने का बीड़ा उठाया था। इस टेबल के अनुसार 1600 एडी के दौरान दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 22.5% बताया गया है, जब अधिकांश भारत मुगल शासन के अधीन था। लेकिन यदि हम भारत के विश्व जीडीपी में योगदान को पिछले 2000 वर्षों के हिसाब से मुगल काल से तुलना करके देखें, तो हम स्थिति को बेहतर तरीके से तुलना कर सकते हैं। 1000 एडी तक भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से विश्व जीडीपी में योगदान लगभग 40% था। यह योगदान अफगानी, तुर्की, खिलजी और लोधी जैसे विदेशी आक्रांताओं के निरंतर आक्रमणों के कारण 30% तक गिर गया। इन मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय मंदिरों से जमकर उनकी आर्थिक संपदा को लूटा। किसी भी आक्रांता द्वारा किसी भारतीय मंदिर की संपदा को लूटने का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के सुल्तान महमूद का आक्रमण, जिसमें ना केवल उसने मंदिर की संपदा लूटी अपितु उसके पवित्र ज्योतिर्लिंग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। भारत को आगे चलकर खिलजी, तुगलक और लोधी वंश के सुल्तानों ने भी जमकर लूटा, जिसके कारण देश का विश्व जीडीपी में योगदान 1500 एडी तक आते आते 1/4 के दर से और कम हुआ। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते मुगलों ने उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। 19वीं सदी में अंग्रेजों के आने तक विश्व जीडीपी में भारत का योगदान 20% तक आ चुका था, यानी जिस भारत का योगदान मुगलों से पहले विश्व की अर्थव्यवस्था में 40% तक हुआ करता था, मुगलों की कृपा से वह योगदान आधा गिर के 20% तक आ चुका था। ऐसे में राणा साफवी का यह दावा करना कि मुगलों ने भारत को अमीर बनाया और उन्होंने व्यापार और परिवहन के लिए भूमि एवं जल संबंधी संरचनाओं के विकास करने में अहम भूमिका निभाई है, तथ्यों के आधार पर गलत और बेतुके सिद्ध होते हैं। मुगलों के समय आर्थिक संपदा न सिर्फ एक वर्ग विशेष तक सीमित थी, अपितु आधे से ज्यादा राजस्व केवल शाही परिवार और उनके खास दरबारियों में बांटा जाता था। इसी कारण जब स्वरा भास्कर ने इस लेख का हवाला देते हुए अपना ट्वीट पोस्ट किया तो लोगों ने उनके ऐसे बचकाने ट्वीट की खिल्ली उड़ाने में ज्यादा समय नहीं लगाया। स्वरा भास्कर पर सोशल मीडिया के विभिन्न यूजर्स ने ना केवल अर्थशास्त्र में कच्चे होने का तंज कसा है, अपितु कुछ लोगों ने यह भी कयास लगाए हैं कि कहीं स्वरा भास्कर के इन ट्वीट्स का स्रोत जेएनयू का व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है। सच पूछे तो मुगलों द्वारा भारत की जीडीपी को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत के विश्व जीडीपी के योगदान में और गिरावट दर्ज हुई और भारत के एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनने तक विश्व जीडीपी में उसका योगदान वर्ष 1950 में महज 10% तक ही सिमट कर रह गया था। रोचक बात तो यह है कि स्वरा भास्कर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक और जेएनयू से समाजशास्त्र में परास्नातक किया है। ऐसे में इनके द्वारा आर्थिक इतिहास की ऐसी अनदेखी करना और भ्रामक दावों को बढ़ावा देना देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में सामाजिक विज्ञान के पढ़ाई के स्तर के बारे में काफी कुछ बयां करता है।